कंचना, ये दो महीने से तीन महीने से यह खबर आ रही थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, दो तीन महीने से बॉडी लैंग्वेज से, कुछ बयानों से, चाहे अटल जी को याद किया उस तरह से, या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को लेकर जो नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें आ रही थी उससे, या नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा की खबरें आ रही थी, वो कन्वीनर बनना चाहते थे, इसी भरोसे थे कि तेजस्वी को हम बिहार की सत्ता सौंप भी देंगे 25 तक या 25 के बाद तो हम दिल्ली में या राष्ट्रीय राजनीति में कन्वीनर बनकर 24 में कुछ बड़ी छवि की तरह हमारा चेहरा होगा, वो नहीं बना इसलिए नाराजगी, ये सारी खबरें आ रही थी। तो कुछ कैलकुलेशन तो आरजेडी के भीतर भी हो रहा होगा ना कि होने वाला, ये अचानक तो नहीं हुआ, 48 घंटे पहले हुआ और अभी तक भी आप लोग इस स्थिति में नहीं हो कि इसको एक्सेप्ट करने को तैयार हो। ये एक अच्छा जेस्चर भी है कि कहा जा रहा है आरजेडी अपनी तरफ से इस बार कोई मौका नहीं देना चाहता, कि आरजेडी के नेताओं के बयान की वजह से गए नहीं कहना चाहता, शायद यही इंस्ट्रक्शन आप लोगों को है, वरना बयानबाजियां तो शुरू हो गई है। जिस समय लगता है कि जैसे आपने बोला कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का बोला, उन्होंने जो परिवारवाद पे बोला, उसके पहले भी ये कई बार नीतीश जी ने बोला कि देखो 2005 से ठीक हो गया, उसके पहले तो सब जंगल राज हुआ करता था, तो उन्होंने कई पॉइंट पे ऐसा बोला। लेकिन जिस तरीके से हम देखते हैं तेजस्वी जी का और नीतीश जी का कॉम्बिनेशन बढ़िया से काम कर रहा था, तो जितने कार्य हो रहे थे सारे चप्पर मेरे ख्याल से आवाज क्रैक कर रहा था, एक सेकंड, हाँ बोलिए, चलिए हाँ बोलिए। तो मैं कह रही हूँ सब बयानों के ऊपर अगर हम जाकर देखें तो जिस तरीके से कार्य बिहार में हो रही थी, नीतीश जी कर रहे थे, तेजस्वी जी मिलकर कर रहे थे, चाहे वो जॉब को लेकर हो या कास्ट सर्वे को लेकर हो, हर मुद्दे पर जो कार्य हो रहे थे वो कहीं ना कहीं सब पर हावी था, और वो कार्य जो है इतना विश्वास जनता के प्रति भी दिला दिया था, जनता भी भरोसा करने लगी थी, ये तो सरकार जो है चल रही बहुत बढ़िया चल रही है। और हमें अभी भी जहां तक आपने केसी त्यागी जी का बयान दिखाया और गिरिराज सिंह भी, मैं उनका जस्ट अभी बयान देख रही थी, उन्होंने बोला कि आरजेडी तो हमारे विधायकों को तोड़ रही है, सब बयानों के बावजूद भी सब कुछ साइड कर दिया जाए, तो आज भी हमारा पॉइंट ये है कि ये सरकार बची रहे, इस सरकार की जरूरत है बिहार को, हम नहीं चाहते कि वो जो सांप्रदायिक ताकतें हो वो बिहार में आ जाए, हमारे जो जवाबदेही है जनता के प्रति हम वो जवाबदेह बने रहना चाहते हैं। हम यहाँ नैतिकता की बात अभी हो रही थी, मैं जनता के नैतिकता की बात कर रही थी, जब जनता वोट करने जाती है तो नीतीश कुमार जी को क्यों चुनती है या तेजस्वी जी को क्यों चुनती है, वो अभी तक मोदी जी को सरकार अकेले क्यों नहीं बनाई, उसको ये बात पूरा मालूम होता है, उसके अंदर नैतिकता है, मैं उस नैतिकता की बात कर रही थी। और जहां तक है कि जब तक मैंने पहले भी बोला कि क्या बीजेपी को अपने राम में भरोसा नहीं है, क्यों 2024 राम के को लेकर जीत जाएगी, या फिर कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दी चाहे जैसे थी प्रेशर में आके, क्या उस पर भरोसा नहीं है, या नीतीश कुमार जी को अपने कामों पर भरोसा नहीं रहा कि मैं चार इतनी नौकरियां दिया, कास्ट सर्वे कराया, आरक्षण बढ़ाया, क्या नीतीश जी को अपने कामों पर भरोसा नहीं रहा, तो यहाँ भरोसे की बात है, क्या बीजेपी को भरोसा नहीं है और नीतीश जी को भरोसा नहीं है, और जो मेरी भरोसे और हमारे भरोसे की बात है, हमें अपने आप पे भरोसा है, हमें उस महागठबंधन सरकार पे भरोसा थी और अभी भी है। और जब तक अब तो कई बार जैसे वो मुहावरा कहा जाता है ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो ऐसा लगता है कि अब इसकी गुंजाइश लगभग खत्म हो गई ऐसा लगता है, हालांकि इसका औपचारिक ऐलान बाकी है। कंचना फिर आते हैं आपके पास, और ये अच्छा जेस्चर है, मैंने कहा जैसे आरजेडी की तरफ से कोई ऐसा मौका नहीं दिया जा रहा बयानबाजी से जिससे लगे कि ये बहाना मिल गया। हालांकि जब नीतीश कुमार ने परिवारवाद को लेकर कहा, कर्पूरी ठाकुर को याद करते हुए, भारत रत्न का जिक्र करते हुए कि कुछ लोग अपने परिवार को बढ़ाते हैं, हमने नहीं बढ़ाया, और उसको उसके बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का जो 3 ट्वीट आया, और उसके बाद ट्वीट से कहा गया नीतीश कुमार की नाराजगी को एक वजह मिली, और उसके बाद वो ट्वीट डिलीट हुआ। लेकिन अब ऐसी अब उसके बाद से लगातार कोई बयान नहीं आ रहा है, ये सच है, लेकिन नीतीश कुमार ने लगभग फैसला कर लिया है, ये भी एक दूसरा सच है। अशोक वानखेड़े, अब बिना सवाल के, ये तो अप्रत्याशित कहें, अद्भुत कहें, अकल्पनीय कहें, अवसरवादिता कहें, सारे शब्द बेमानी है, लेकिन एक चीज तो लग रहा है कि नीतीश का, जैसे कहते हैं यूज एंड थ्रो, तो बीजेपी नीतीश को यूज एंड थ्रो की तरह इस्तेमाल करना चाहती है, या नीतीश को अपने भविष्य की इतनी चिंता है कि लग रहा है चलो 24 तक ही सही लोकसभा, उसके बाद 25 के पहले हमारी रवानगी भी हो जाए, तो कुछ दिल्ली में 5 साल तक हम रिटायरमेंट जीवन जी ले, कृषि मंत्रालय, मत्स्य पालन वगैरह, पशुपालन कुछ लेकर। देखिए अजीत भाई, यूसुफ भाई ने बहुत बढ़िया कहा, और आपने भी उसी को एंडोर्स करते हुए आपने लाइन ली, ये दोनों की अनिश्चितता है, बीजेपी और नीतीश दोनों अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित है। नीतीश क्यों अनिश्चित है ये नीतीश ही जाने,
बीजेपी को जरूर अनिश्चितता है कि 272 के लाल को पढ़ते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वो उन उन जगह पे आप देखिए येदुरप्पा को निकालने के बाद येदुरप्पा विद्रोही हो गए थे क्योंकि येदुरप्पा चाहते थे उनके बेटे को सेटलमेंट करें। तब नरेंद्र मोदी ने कहा कि परिवारवाद को जगह नहीं हमारे पार्टी। आज उसी येदुरप्पा के बेटे को अध्यक्ष बनाया, एक बैकफुट पे आ गए। आज नीतीश कुमार को उन्होंने अलग किया, अब नीतीश कुमार की सारी शर्तें मानने को तैयार है। कल सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री हो गए तो आश्चर्य नहीं होगा, जिस सुशील मोदी पे आरोप थे कि वो नीतीश के गोद में बैठे रहते हैं और पार्टी का नुकसान किया है। ये सारे कॉम्प्रोमाइजेस फॉर्मूला क्यों है? क्योंकि 272 के लाले पड़े हैं। यदि राम मंदिर पे इतना विश्वास है और किए हुए कामों पे इतना विश्वास है तो नीतीश क्या इंडिया गठबंधन को तो मदद करनी चाहिए, तुमको फाइनेंस भी चाहिए तो मैं देता हूं, करो पूरी ताकत से लड़ो, देश मेरे साथ है। लेकिन बोलने की बात अलग है और अंदरूनी हालात बहुत बहुत बुरे हुए हैं। इसलिए सबसे पहले डैमेज किन राज्यों में होने वाला है? डैमेज बिहार, बंगाल और यूपी में। बंगाल का ममता ने कहा हम अकेले लड़ेंगे, लेकिन वो जब अलग बंगाल पे इशू करेंगे तो हम उस पर माइक्रो लेवल पे बात करेंगे। यहाँ पे बिहार में किसी भी हालत में, और आपने एक बात कही कि नीतीश हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, नहीं, वो राज्य का तासीर ही ऐसा हो गया कि तीन पार्टियां लड़ती है और मेजोरिटी किसी को नहीं आती। ऐसे में लालू नीतीश का कैरेक्टर आलू जैसा हो गया है, नीतीश आलू बन गए हैं राजनीति में। लालू को आलू बोलते लेकिन नीतीश आलू बन गए हैं। कभी बीजेपी के भी साथ चले जाते हैं, कभी आरजेडी के साथ भी चले जाते हैं। जब बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो विकास की बात करते हैं, आरजेडी के भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जब आरजेडी के साथ चले जाते हैं तो बीजेपी के सांप्रदायिक होने की बात करते हैं, और ये लगातार करते आ रहे हैं। उनमें कहीं फियर साइकोसिस है, उनको लगता है कि मेरी पार्टी तोड़ के मुझे किनारे लगाया जाएगा। और नीतीश ये भी जानते हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो नीतीश जीरो है, मुख्यमंत्री पद पे ही नीतीश की आभा है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। क्या उनको लग रहा था कि उनकी पार्टी टूटेगी? जिस इंडिया गठबंधन की नींव उन्होंने रखी थी, अब वो कहते हैं कि इंडिया गठबंधन, कल देखिए कितने कितने पलटा हुए। केसी त्यागी ने ही कल कहा था कि इंडिया गठबंधन में नीतीश रहेंगे, आज वो कहते हैं कि इंडिया गठबंधन टूटने की कागार पे है। कैसा टूटेगा इंडिया गठबंधन? कौन है इंडिया गठबंधन में? पुराना यूपीए तो इंटैक्ट है, पुराने यूपीए में नए लोग जुड़े कौन थे? नए जुड़े थे नीतीश कुमार, जुड़े थे ममता, जुड़ी थी आम आदमी पार्टी, जुड़ी थी, ये तीन लोग बाहर से जुड़े हैं। अब ये तीन में से तीन चले गए तो भी इंडिया गठबंधन इंटैक्ट रहेगा? सवाल वो नहीं है बाहर से जुड़े नहीं जुड़े। आप जब बात कर रहे हो कि आप मोदी के सामने चुनौती पेश करने की, तो जो रीजनल छत्रप थे जिन्होंने जीतने में या जिनके अपने वोट बैंक है वो तो मायने रखता है ना। आप अब तक अगर बिहार की एक सेकंड, आप अब तक बिहार की बात इसलिए कर रहे थे कि 2019 में 39 सीटें जेडीयू बीजेपी ने मिलकर जीत लिया, तो लग रहा था अगर जेडीयू आरजेडी का कॉम्बिनेशन है जो डेडली कॉम्बिनेशन है वोट शेयर के हिसाब से, तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी। लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो बीजेपी के लिए राह कंपैरेटिवली कितनी आसान होगी वो आगे आने दीजिए, आने दीजिए। एक बिहार छोड़ा तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अंडरस्टैंडिंग है, भले ही वो अकेले लड़े लेकिन कुछ सीटों पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। और बंगाल में भी बैकरूम में है कि इकट्ठा लड़ने में लॉस है। पिछली बार इकट्ठा लड़ा तो कांग्रेस और लेफ्ट का सारा वोट बैंक जो है वो बीजेपी को शिफ्ट हो गया। ममता का वोट बैंक नहीं खिसका, जो 373 पे आ गए बीजेपी वो लेफ्ट और कांग्रेस के मतदान पे आए, क्योंकि जो मतदाता ममता के साथ जा ही नहीं सकता उनके लिए जगह नहीं थी तो बीजेपी में चले गए। ये हर राज्य का कई बार एक और एक दो नहीं होते और एक और एक ग्यारह भी नहीं होते, एक और एक शून्य भी होते हैं। तो कई जगह स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रहे हैं, हो सकता है स्ट्रेटेजी ओपन नहीं होती, कुछ लोग बोलते हैं कि क्यों किया क्या किया, कई चीजें हैं इसमें। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि एक नीतीश से जाने से, देखिए नीतीश ने जो काम किया जातिगत जनगणना, क्या नीतीश सिर्फ बिहार में लायबिलिटी एसेट होंगे और बाकी प्रदेश में लायबिलिटी होंगे? क्या अब जातीय जनगणना बीजेपी एंडोर्स नहीं कर रही है? क्या प्रधानमंत्री का यह कहना कि सिर्फ गरीब मेरी जाति है तो क्या अब उनको जातीय जनगणना का साथ नहीं देना होगा? क्या बाकी राज्यों में अब जातीय जनगणना पे बीजेपी वाले क्या बोलेंगे? क्योंकि बिहार में जातीय जनगणना, मध्य प्रदेश में नहीं, राजस्थान में नहीं। 2 लाख रुपए यदि गरीबों को मिलते हैं बिहार में, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ जहां बीजेपी को इतनी भारी मात्रा में मदद मिली, उनके गरीबों का 2 लाख रुपए पे हक नहीं है क्या?
अब ये भी एक विचार मंत्रणा चल रही है बीजेपी की कि ये कितने एसेट बनेंगे कितने लायबिलिटी बनेंगे, इसीलिए थोड़ा देर लग रहा है, नहीं तो ये उसी दिन हो जाता तुरंत। जी अशोक जी, अब मैं जरा एक बार एनके सिंह के पास जाता हूँ, उसके बाद आऊंगा संतोष जी आपके पास। सिंह साहब, अगर अब इसको हम वैधानिक या संवैधानिक दृष्टि से देखें तो अब क्या विकल्प है भाई? ठीक है, नीतीश कुमार ने ऐलान नहीं किया, कहा जा रहा है मीटिंग्स हो रही है, बीजेपी के विनोद तावड़े वहां पटना पहुंच रहे हैं, विधायक दल की बैठक हो सकती है, विधायकों से लगातार बात हो रही है, उधर खबर आ रही है कि आरजेडी के विधायक दल की भी बैठक है। लेकिन अब अगर देखें कि नीतीश कुमार और बीजेपी की सहमति बन गई तो प्रक्रिया और आगे क्या हो सकता है, जरा उसको संवैधानिक दृष्टि से बताएं जिससे समझ में आए कि पेचीदगी कहां हो सकती है अगर तेजस्वी चैलेंज करते हैं तो। और नीतीश और बीजेपी साझा हो गया तो चिट्ठी देंगे गवर्नर को एक साथ का, क्या करेंगे फिर से बताएं एक बार। देखिए, एक ही राइडर है कि क्या जेडीयू टूट सकता है, क्या 30 विधायक जेडीयू के लॉक स्टॉक बैरल आरजेडी में जा सकते हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है? या अपने को जैसे महाराष्ट्र में हुआ कि अपने को अलग पार्टी बताए और तब जबकि नीतीश उसके अध्यक्ष, रिट नीतीश का चलेगा, लीगली इस समय नीतीश है वहां पे, तो क्या वो अपने को अलग पार्टी बता लेंगे? तो यहाँ पे एक, अगर इसको छोड़ दीजिए तो कोई चांस नहीं है कि आरजेडी अब सत्ता में रह पाए, एक भी मतलब नॉट इवन देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि अब प्रक्रिया क्या होगी। अगर बीजेपी राजी होती है कि साइमल्टेनियस चुनाव कराए जाए, जो कि बीजेपी नहीं चाहती है, उसके एमएलए नहीं चाहते हैं, तो चुनाव वाला रूल आउट कर दिया जाए पहला, तब क्या करेंगे नीतीश कुमार? तब वो बीजेपी के समर्थन पत्र के साथ गवर्नर के यहाँ जाएंगे, इससे इस्तीफा देंगे, उसका गवर्नर उनको इनवाइट करेगा बनाने के लिए बीजेपी के समर्थन लेटर के साथ। अगर बीजेपी ये चाहती है साइमल्टेनियस इलेक्शन हो, नीतीश भी इस पे राजी है, पार्टी नहीं टूट रही है इसकी वजह से, तब क्या होगा? तब सिंपल सी बात है कि असेंबली डिसॉल्यूशन की का रिकमेंडेशन हो जाएगा, बीजेपी उसको समर्थन कर देगी और रिकमेंडेशन हाउस डिसॉल्व करते हैं और वो अगर अगर उसकी जरूरत पड़ी तो फ्लोर पे जाएगा, वरना जरूरत है नहीं तो हाउस डिसॉल्व हो जाएगा, साइमल्टेनियस इलेक्शन हो जाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी कम है। अब यहाँ पे बचेगा क्या? नीतीश रहे, शपथ ले, उनसे कहा जाए कि आप इतने दिनों में कराइए। अब पेज कहाँ आएगा? स्पीकर आरजेडी का है, तो साइमल्टेनियसली कहा जाएगा कि साहब ये नो कॉन्फिडेंस हम स्पीकर के खिलाफ लाते हैं, 14 दिन का टाइम चाहिए, जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का 2015 का, उसके तहत स्पीकर को कॉन्फिडेंस मोशन, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया है उसके खिलाफ तो वो कोई भी फैसला नहीं लेगा, जाहिर है वो फैसला नहीं लेगा। नवाब राबिया का केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट के 7 मेंबर जज के पास है, लिहाजा उसको अगर आप लेंगे तो स्पीकर वहां पे फैसला लेने की स्थिति में नहीं है। लेकिन इसको तोड़ दिया है महाराष्ट्र में, इसी बीजेपी ने तोड़ दिया है कि नहीं साहब हम आप करते रहिए हम फैसला ले लेंगे। तो यहाँ पे ये देखना होगा कि यही वाला अप्लाई अगर स्पीकर करता है कि हम इनको खारिज करते हैं और ये कहते हैं कि साहब ये दल बदल हो रहा है, इसके चांसेस वैसे कम है, कुल मिला के बहुत कम चांसेस है। और वो भी जानते हैं आप, गवर्नर उनका है, महाराष्ट्र में तो दोनों उनके थे लेकिन यहाँ पे स्पीकर इनका है, लेकिन बहुमत नहीं है। अगर जे आरजेडी नहीं टूटती है, जिसकी संभावना जैसे संतोष जी ने कहा, अगर इलेक्शन नहीं होंगे ये भरोसा उनको हो जाए तो पार्टी नहीं टूटेगी। उनको अगर लगे कि 2 साल अभी आराम से अब चल सकते हैं, फिर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा जाएगा नहीं लड़ा जाएगा आगे देखेंगे, तो कोई एमएलए टूटेगा नहीं, ऐसा मुझे लगता है, संभव संतोष जी ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें स्पीकर बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है, गवर्नर कंपोजिट टेस्ट करा के, और दूसरा गवर्नर 2 ऑब्जर्वर बैठा के वहां पे हाउस में ये सारी चीजें, और नीतीश कुमार को कहेगा कि बहुमत प्रूफ कीजिए, नीतीश कुमार बहुमत प्रूफ कर लेंगे, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई दिक्कत होगी। जी
तो अब ये तो संवैधानिक विकल्प आपने बताया, अब दूसरा संतोष जी जो वहां की स्थिति है, जैसे मान लीजिए बयान तो कांग्रेस ने भी दे दिया कि हमारे संपर्क में भी जेडीयू नेता या आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है, जिसका जिक्र बार बार कर रहे हैं कि हम ताजपोशी नहीं होने देंगे, ये सब अपनी तरफ से बयानबाजियों के बीच, जेडीयू पूरी तरह से नीतीश के साथ इंटैक्ट है या जेडीयू में भी बहुत सारे, जैसे ये कहा जा रहा है जेडीयू में बहुत सारे लोग ऐसे हैं। जी सिंह साहब वो मेरे ख्याल से संतोष जी को ज्यादा आसानी से पता लग जाएगा, 2 बजे पूर्णिया में जो कांग्रेस की मीटिंग हो रही है उसमें कितने लोग पहुंचे हैं, ये भी क्रूशियल पॉइंट है, इसको भी देखने की जरूरत है। तब तक हम लोग चर्चा करें तब तक कुछ अंदाजा मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी संतोष जी। अब पूर्णिया में अभी तक 6 कांग्रेस के विधायक पहुंचे हैं। जी 6 पहुंचे हैं, हमारी भी जानकारी है। हाँ ये अपडेट है कि 6 पहुंचे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आरजेडी जब से सरकार में आई वो कभी इस माइंड सेट से न काम की न इस माइंड सेट से जदयू के अंदर के लोगों को कभी अपने पास लाया कि भाई कभी परिस्थिति अगर ऐसी बनी तो हम जदयू को तोड़ ले। इस पर कभी कोई होमवर्क न लालू की तरफ से हुआ न तेजस्वी की तरफ से, वो एकदम पूरी तौर पर खाली है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उस और लगता है कि कभी इन्होंने सोचा ही स्क्रीन पे दो ना, मुझे क्यों दिखा रहा हूं, मैं देख रहा हूं। वो कभी सोचा ही नहीं, इसलिए वहां कोई विकल्प नहीं है। और जदयू के साथ जो विधायक है उसमें अधिकांश ऐसे विधायक हैं जो यादव से लड़के आते हैं, मतलब यादव डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो जीत कर आते हैं, उनके लिए उस तरफ शिफ्ट करना चुनावी रणनीति में भी वो उनके फिट नहीं बैठता है, क्योंकि वही सारे लोग जीत कर आए हैं जदयू में जो लोग हैं, तो ये बहुत मुश्किल है जदयू को तोड़ना। लेकिन जो एक बड़ी बात जो हम चाहते हैं कि इसको इसमें आपके शो के माध्यम से लोगों तक बताएं कि नीतीश कुमार, देखिए इतनी परिस्थिति के बावजूद भी नीतीश कुमार अभी तक सक्रिय रूप से न किसी अपने विधायक से बात कर रहे हैं। अब अभी बक्सर में है, ठीक है ना, गोवा में वो चले गए, इसका होम गार्ड का कार्यक्रम था उसमें। नीतीश पूरे तौर पर इस पूरे प्रकरण में अपने आप को अलग रखा है पूरे तौर पर, कि भाई अगर कुछ हुआ तो जिम्मेवारी अशोक चौधरी, संजय झा और विजय चौधरी की होगी, क्योंकि अभी भी फ्रंट लेवल पर अभी यही तीनों, अभी अब कांग्रेस को तोड़ने की भी बात होगी तो अशोक चौधरी मुहिम में लगे हुए हैं, ये बातें सामने आनी शुरू हो गई है। अगर कांग्रेस टूटी तो अशोक चौधरी उसको लीड ले रहे हैं। तो क्या ऐसी संभावना भी है, जैसे मैं प्रेमचंद मिश्रा का इंटरव्यू देख रहा था कुछ देर पहले, यही पूछा भी गया कि पूर्णिया कितने लोग जा रहे हैं, तो उन्होंने भी गोलमोल किया और उसमें उल्टा बोल दिया कि जेडीयू के 20 विधायक हमारे संपर्क में, तो क्या इसकी संभावना है कि कांग्रेस टूट जाए, फिर वहां भी 2/3 चाहिए। देखिए कांग्रेस में 2/3 क्या पता चला कि सारा विधायक एक को छोड़ दीजिए शकील अहमद खान को, बाकी सब जा सकते हैं। अच्छा कोई ऐसा कोई आइडियोलॉजी कमिटमेंट वाले सारे बीजेपी के विधायक ये। अब एक खबर आ रही है बीच में, मैं बताऊं बड़ी खबर है, चूंकि इंडिया गठबंधन की हम बात कर रहे थे कि अखिलेश यादव ने 11 सीटें कांग्रेस को देने का ऐलान किया, ये अचानक इस बीच में खबर आना, जो अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच तनातनी की खबरें आ रही थी सीट को लेकर कि कांग्रेस 10 सीट 11 सीट या 15 सीट चाहती है, अखिलेश यादव 2 से 5 से ज्यादा नहीं देने को तैयार है। अभी खबर सामने मैं देख रहा हूँ एबीपी न्यूज पे आ रहा है कि 11 सीट अखिलेश यादव ने ऑफर किया है कांग्रेस को यूपी में, तो अपने आप में ये फास्ट फॉरवर्ड कार्रवाई होने लगी यूसुफ जी, कि अब तक सीट शेयरिंग पर बवाल बचा पड़ा है और अब यहाँ खतरा आया तो अखिलेश यादव की तरफ से आ गया, मतलब ये सीट हड़बड़ी में हो रहा है या लगा कि आप जल्दी नहीं करेंगे तो बिखर सकता है? नहीं हड़बड़ी तो नहीं, मुझे लग रहा काफी देर हो गई है, और ये जो 11 का आंकड़ा भी आया है और मुझे लगता काफी रियलिस्टिक आंकड़ा ये है। कांग्रेस ने 20 से 25 सीटों पर दावा किया था और कांग्रेस के जो टीम है जो ये काम कांग्रेस की जो वर्किंग थी वो ये थी कि भाई जो 2009 में कांग्रेस ने 21-22 सीटें जीती थी उन पर हम फोकस करें, तो उसमें से अगर हमें 12 से 15 सीटें मिल जाती है तो एनएफएफ। अजीत जी जमीनी सच्चाई ये है कि कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में 15 से ज्यादा सीटों पर लड़ाने के लिए मजबूत उम्मीदवार तक नहीं है। पिछली बार अकेले कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 50 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी।
इमरान प्रतापगढ़ी जैसे दिग्गज नेता जो कांग्रेस में आज बड़ी अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष हैं, तो उनको 25,000 वोट मिले थे मुरादाबाद जो 2009 में अजहरुद्दीन जैसे जीते थे, नसीबुद्दीन सिद्दीकी बिजनौर से लड़े थे हमारे, उनको वो 25,000 वोट के आसपास मिले थे। तो इस सूरत में कांग्रेस बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रही थी, उसका था कि भाई 10 से 15 के बीच को रेस्पेक्टेबल फिगर मिल जाए, इतने ही लोग कांग्रेस के पास है जो चुनाव मजबूती से लड़ सकते हैं। 2009 में जितने लोग कांग्रेस के टिकट पर उत्तर प्रदेश में जीते थे उनमें से कई सारे लोग जो है वो बीजेपी जा चुके हैं, जितिन प्रसाद जा चुके हैं, आरपीएन सिंह चले गए हैं, रीता बहुगुणा जीती नहीं थी 2009 में लेकिन बहुत अच्छा चुनाव लड़ी थी और उस वक्त वो कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष हुआ करती थी, वो भी बीजेपी, उनका पूरा कुनबा बीजेपी चला गया है। तो कांग्रेस के सामने ये दिक्कत है कि उसके पास मजबूत से चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं है, और जो मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा करते हैं वो फाइनेंस के लिए कांग्रेस की तरफ देखते, जबकि कांग्रेस अब फाइनेंस की पॉलिसी बदल चुकी है, कांग्रेस के पास पैसा नहीं है। तो मुझे लगता है अखिलेश यादव ने इस वक्त जो ऐलान किया है वो बिहार में जो कुछ हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने 11 सीटें ऑफर की हैं, और मुझे लगता है अभी ये 11 सीटें कम है, उसमें शायद 2-3 सीटें बढ़ाने की गुंजाइश अभी है। दर्शकों को एक बार बता दें कि अखिलेश यादव ने 1:19 पर ट्वीट किया है, जिस ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा है कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है, ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा, इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। ये अखिलेश यादव का अभी का ट्वीट है। अशोक वानखेड़े, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? लेकिन ये बहुत देखिए देर हो गई, इसमें कोई शक नहीं, सीट शेयरिंग की बात थी कि दिसंबर में होने वाला है, जनवरी खत्म हो रहा है, लेकिन अभी भी अगर हुआ तो इस बीच हुआ जब पटना में यहाँ एक सरकार गिरने की नौबत है और ये सीट शेयरिंग में देर क्यों हो रही है, सवाल लगातार उठ रहे, तो कहीं ये जो फायर फाइटिंग की तरह जल्दी किया गया नहीं? इसकी मीटिंग बहुत दिनों से चल रही थी, अविनाश पांडे भी लगातार मीटिंग कर रहे थे, अलग अलग लेवल पे मीटिंग हो रही थी। यूपी में उन्होंने 3 गुट बनाए थे और 3 गुट 3 अलग अलग लेवल पे बात कर रहे थे, और अखिलेश जी डायरेक्ट कभी राहुल से तो कभी सोनिया जी से पर्सनली 1-to-1 बात हो रही थी। कुछ लोग जो बीच में थे जो इस गठबंधन के लिए तकलीफ पैदा कर रहे थे उनको जानबूझ के अलग रखा गया था। हाँ, ये बात यशुभ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनके पास मतलब अब 11 भी मजबूत उम्मीदवार जिनके डिपॉजिट नहीं जब्त हो ऐसे ढूंढने लग पड़ेंगे, क्योंकि ये ज्यादा सीटें देके कोई स्पॉइल करने वाला मामला नहीं था। लेकिन एक बात, मुंबई की गठबंधन की जो इंडिया के गठबंधन मीटिंग जो हुई उसमें एक बात तय थी कि जो जिस राज्य में बड़ा दल है वो गठबंधन के शेयर सिटी शेयर का तय करेगा। तो बंगाल में ये ममता को तय करना है, अखिलेश जी को तय करना है यूपी में। अखिलेश जी के इनके तरफ से कुछ आंकड़े गए थे, अखिलेश जी ने उनको शायद शटडाउन किया होगा, 20-25 जो मांग रहे होंगे अल्टीमेटली 11 पे। इनको भी पता था कि हम 20-25 मांगेंगे तो 10-11 मिल जाएंगे, यदि हम 11 ही मांगेंगे तो हो सकता है 8 पे सेटल करना पड़े। तो ये दोनों की मीटिंगों का रवैया था, और मैं काफी इस दिनों से ट्रैक कर रहा था अविनाश जी से, तो ये मीटिंगें काफी चल रही थी, लेकिन अब संयोग से ये आज फाइनल हो गया, क्योंकि मुझे लगता है कि 2 दिन का जो यात्रा का छुट्टी हुई बीच में और राहुल गांधी दिल्ली आए, शायद उसमें कुछ चीजें फाइनल हो गई होगी और ये हो गया। ये जो बिहार का मामला है, ये सीट शेयरिंग तो लालू और नीतीश को करना है, इसमें कांग्रेस को क्या करना है? तो जो ऑफर करेंगे उसमें कांग्रेस को जितना मिलना है उतना ही मिलना है, उसमें कांग्रेस को कोई बड़ा से नहीं था उसमें। लेकिन अब इनका बेसिकली नीतीश जी का जो बिहार का मामला है, ये नीतीश जी का अविश्वास है, उनका फियर साइकोसिस है, उनका डर है, और उनका एक कहीं ना कहीं उनके मन में ये लगता है कि वो तीसरे नंबर की पार्टी होते हुए भी किसी और के बैसाखियों पर सरकार में है, ये कहीं ना कहीं उनको बार बार काट रहा है। ये इसलिए विधानसभा भंग करके चुनाव इसलिए करवाना चाहते हैं कि अगली बार आऊं तो कम से कम बराबरी पे आऊं, आपके 70 हो तो मेरे 70 हो, आपके 75 हो तो मेरे कम से कम 72 हो। ये एकदम 43 और 79 बहुत लंबा, या 78 और 45 ये जो आंकड़ा दिखा रहे, ये आंकड़ा फिर ये मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, वो सिर्फ मजबूरी का फायदा उठा रहे कि अभी उसको मजबूरी है। लेकिन कुछ नेताओं का ये भी कहना है कि जो सांसद पिछली बार जीते थे 11, जो इसके है जनता दल यूनाइटेड के, उनका बहुत प्रेशर है, बहुत सारे सांसदों का, उनको ये लगता है कि हम बीजेपी के साथ पिछली बार जीते थे, इस बार हम आरजेडी के साथ लड़े तो क्या आरजेडी का वोट हमको ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, इसके बारे में वो थोड़ी सी शंका है उनको। लेकिन उनको लगता है कि हम पहली बार पिछली बार बीजेपी के साथ गए तो जीत के आए तो बीजेपी का वोट तो हमको ट्रांसफर होगा, तो इस बार भी होगा तो क्यों ना बीजेपी के साथ जाए, एक वो भी सांसदों का एक प्रेशर उनके ऊपर था। ऐसे कई चीजें हैं जो बताए देते हैं। मुझे नहीं लगता कि बिहार में जो हो रहा है उसमें कांग्रेस की कोई गलती है,
अभी कहते कि भाई कांग्रेस ने उनको सम्मान नहीं दिया भाई, वो तो बहाना, वो तो क्या होगा, बहाना खोजा जाएगा, बहाना बहाना खोजा जाएगा कि गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बात नहीं हुई, कन्वीनर पर बात नहीं हुई, या नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाने की बजाय ममता बनर्जी ने केजरीवाल के साथ मिलकर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रोजेक्ट कर दिया, या कन्वीनर के नाम पर नीतीश कुमार के नाम पर राहुल गांधी को एतराज था, ये सब बहाना खोजा। अजीत जी, अजीत जी, एक सेकंड, मैं सेंटेंस पूरा कर लूं। इसमें कहा जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार अब बहाना खोज रहे हैं कि जब बाहर आएंगे तो क्या कहेंगे। पिछली बार उन्होंने आरजेडी पर आरोप लगाया, करप्शन के आरोप लगाए, सारे लगाए, लेकिन अभी दो साल में देखेंगे उनके बयान है जिसमें वो बगल में तेजस्वी खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि अरे बताइए इनके पिताजी के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ क्या क्या किया, इन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए, नीतीश बोलते रहे। तो अब वो चिंतन बहाने की भी हो रही होगी कि क्या कहेंगे, क्यों निकले, अभी मरने की बात कर रहे थे। सवाल यह है कि ममता को और आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन में लाया कौन, कांग्रेस के साथ इनकी बैठक किसने करवाई, कांग्रेस के साथ इनका कंफर्ट जोन किसने करवाया, ये नीतीश जी ने करवाया। तो वो तो नीतीश जी के सगे हैं, कांग्रेस के सगे कहां से हो गए। नीतीश जी को शायद बहुत पहले से यह तय था उनका कि उनको एनडीए के साथ जाना है, इसलिए उन्होंने कन्वीनर पद भी नहीं लिया। ये तो कन्वीनर पद तो सीताराम येचुरी ने भी कहा कि भाई वो लोग दो नहीं है यहाँ पे, लेकिन ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मेजोरिटी चाहती है कि आप बने तो आप बन लीजिए जी। उसके बाद मुझे एक जनरल सेक्रेटरी उनका ये कहता है, मैंने बोला आप, आपको तो पद भी दिया था, उन्होंने एक नया पेज बताया मुझे। वो कह रहे थे कि कन्वीनर पद लेने से वो नाराज इसलिए हो गए थे क्योंकि उनको लगा सोनिया जी यदि अध्यक्ष बन जाए तो वो कन्वीनर बन सकते हैं, लेकिन खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया, खड़गे जी का स्टेचर नीतीश जी से बहुत नीचे है, अब उनकी अध्यक्षता में हम कन्वीनर कैसे बने। मैंने यार, ये आप कारण ढूंढ रहे हो, ये प्योर कारण ढूंढ रहे हो आप, वो सबसे बड़े पार्टी के अध्यक्ष है। अब एक बार एनके सिंह साहब आपके साथ, आपके पास फिर राजनीतिक तौर पर अब बात सिर्फ 2024 की हो रही है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी ने, अगर सही कहा कंचना ने शुरू में ही कि सिर्फ नीतीश कुमार को पलटू राम क्यों कहें, बीजेपी भी तो जा रही है, अगर दो पार्टनरशिप हो रही है तो दोनों हाथ से ताली बज रही है, एक हाथ को जिम्मेदार कैसे ठहराए। बार बार बीजेपी ने भी किया वही बयानबाजी, उसी तरह का कोसना।